मम्मा बैठो बेटा बैठो, आप भी बैठे ना प्लीज। जी बैठो, आप बैठो। बहुत शौक था कि मैं भी अपने ससुराल जाऊं और जाके दावत खाऊं। मैं ये ग्लेज ले लूं। छोड़ो इसे। ओ अस्सलामुअलैकुम अम्मा साईं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है हमारी बहू? जी शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, मैंने ना तुम्हें इतनी सुबह सुबह एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है। जी जी अम्मा साईं, बताएं। अब देखो ना, तुम्हारी शादी नौशेरवा से हुई, माशाल्लाह काफ़ी देर हो गई है। जी जी अम्मा साईं, आप क्लियर बात बताएं ना, कहना क्या चाह रही हैं? तो मैंने ये पूछना था कि नौशेरवा गजनवी तुम्हें कोई खर्चा खुर्चा देता है कि नहीं? खर्चा? वो क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। जब से मेरी शादी हुई है, गजनवी ने आज तक मुझे एक रुपया नहीं दिया और ना ही मैंने उनसे मांगा है। औरत खुद ना मांगे तो मर्द को खुद ही दे देने चाहिए, लेकिन मुझे गजनवी की समझ नहीं लगती। ना ये हमें खर्चा भेजता है ना तुम्हें दे रहा है, तो ये सारी तनख्वाह लगा कहाँ पे रहा है? कितने नशे नुशे तो नहीं करने लग पे? पता नहीं अम्मा साईं, घर का राशन भी आए दिन खत्म होता है। अब देखे ना, मैं कल से गजनवी को बोल रही हूँ कि चीनी पत्ती ला दें, लेकिन ला के नहीं देते। मुझे आगे से कहने लग जाते हैं कि इतनी गर्मी है, चाय पी के क्या करना है हमने, इसलिए चीनी पत्ती लाने में पैसे जाया होंगे। आने दो इसके बाबा साईं को, मैं इसका पक्का इलाज करवाती हूँ। जी ठीक है अम्मा साईं, जैसे आपको सही लगे। लगा दी अम्मा साईं को मेरी शिकायत? शिकायत उनकी लगाई जाती है जिनकी अच्छी औलाद हो। आपके वालदैन को तो पता है उनकी गंदी औलाद है। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। गजनवी, आज तुमने मुझे डिनर में बुलाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली तुम्हें मेरे प्यार ने बदल ही दिया। देखो तुम कितने बदल गए हो, पहले तुम एक नंबर के भूखे कंजूस और बेशरम इंसान हुआ करते थे, लेकिन फाइनली मेरे प्यार ने तुम्हें बदल ही दिया और अब तुम एक बड़े दिल के इंसान बन गए हो, और जो तुमसे प्यार करते हैं उसकी कदर करने लग पड़े हो, और मुझे आज यहाँ खाना खिलाने लाए हो। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। अच्छा गजनवी, सच सच बताना, आज सारे खाने के पैसे तुम ही दोगे ना? ये ना हो कि मैं ऑर्डर कर दूं और तुम बिल भी मेरे हिस्से में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, एक लार्ज पिज्जा करते ना। ओ बस है, ज्यादा फ्री ना हो भाई, मीडियम पिज्जा कर दें एक बस। चलो ठीक है, मीडियम भी ठीक है, हम दोनों नहीं खाना है। रुको, अभी मत खाना, मेरे दो स्पेशल गेस्ट आने हैं, उनका वेट कर लो। मुझे पता था तुम मेरी अकेले के लिए कभी पिज्जा नहीं मंगवा सकते। मैं भी कहूँ तुम एकदम से इतने अच्छे कैसे बन गए, तुमने अपने उन दोस्तों को भी ट्रीट देनी होगी और साथ में मुझे भी बुला लिया कि एक ही खर्चे में तीनों खुश हो जाए। अब तो मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं रहा, पता नहीं इसके पैसे भी तुमने देने या तुम्हारे उन दोस्तों ने देने। मम्मा तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा हस्बैंड समुद्र के किनारे छलियां बेचता है।
इसने मुझे खुद बताया कि ये आलू चने लगाता है। माशाल्लाह, आलू चने बेचना बहुत अमीरों वाला काम है। जो भी है, कोई काम छोटा नहीं होता, अम्मी जान कहती थी। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है बताने का कि मैं आलू चने बेचता हूँ, गरीब और तमीज से। ओ बस बस, मेरे सामने लड़ने की जरूरत नहीं है, घर जाके आराम से लड़ना तुम दोनों। और तुमने झूठ बोला कि तुमने इससे तलाक ले ली है, और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना प्यारा बेटा भी है। अंकल पिज़्ज़ा खा लूं? खाओ खाओ बेटा, जितना मर्जी खाओ, तुम्हारे अब्बा नहीं पैसे देने। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन करके मुझे इसका बताया। ये मेरी बेगम काफी महीनों से भागी हुई है, मैं इसे ढूंढ रहा था। वो हुआ असल में ये, इसे मैंने हमेशा रानी की तरह रखा, इसने जो मांगा मैंने वो ला के दिया। बस एक बार मेरी माँ ने बोला कि तेरा बंदा अकेला काम करता है, तू भी लोगों के कपड़े सिलाई करके उसका हाथ बटाया कर। लेकिन ये शुरू से ही अपने दिमाग में अमीर है, इसे कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं आता। अगर मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे तो फिर ही घर चलेगा ना। इसे लगा था आप अमीर हैं, इसलिए आपके पास सेट होने आ गई। लेकिन अब मुझे पता चल गया आप भी मेरी तरह छपरी हैं। हम छपरी? ओ मतलब गरीब हैं। ये पिज्जे का बिल दे देना। रुके सर, अगर आपने बिल नहीं देना था तो पिज्जा क्यों मंगवाया? ये मैंने नहीं ऑर्डर किया, तुम्हारी बेगम ने ऑर्डर किया। अब तुम पागल हो, अभी तक फजूल खर्ची करने से बाज नहीं आई। अगर इतना शौक है खर्च करने का तो मेरे साथ काम किया करो, फिर जिधर मर्जी खर्च करना। पागल औरत। साईं, आपको पता था परा बाजी का एक बच्चा भी है? हाँ। अच्छा, मुझे भी पहले दिन से ही पता था। मुझे तो कल पता चला। जाफर, अगर तुम्हें पता था तो कम से कम मुझे तो बता देते। ओ साईं, मैंने आपको बताना जरूरी नहीं समझा। आपके कंधे को बड़े बड़े काम होते हैं, अभी मैं आपको छोटी सी बात बता के परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे जो भी आपसे मिलता है उसकी सारी डिटेल निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है। आगे से मुझे बता देना प्लीज। जी जी, वैसे आपकी भी सारी डिटेल मौजूद है मेरे पास। बुरी बात? अरे नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप बचपन में चोरी करते हुए पकड़े गए थे और लोगों ने आपका मुंह काला करके गद्दे पे बिठा दिया था। अरे नहीं नहीं, वो लोगों ने मेरे बारे में ऐसी झूठी बातें बनाई। हाँ जी हाँ जी, सेलिब्रिटी है ना आप। मुझे पता है तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हें आज तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट नहीं लेकर गया और फरा को मैं पिज्जे खिलाता फिर रहा हूँ। अब आप अपनी बीवी भी उस फरा को ही बना ले जिसे जाशियां करवाते फिर रहे हैं। मुझे पता था, इसीलिए सबूत बनवाना पड़ा। एक बार ये वीडियो देख लो, अगर फिर भी यकीन ना आए तो लख दी। और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना प्यारा बेटा भी है। अंकल पिज्जा खा लूं? खाओ खाओ बेटा, जितना मर्जी खाओ, तुम्हारे अब्बा नहीं पैसे देने। तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा हस्बैंड समुद्र के किनारे छलियां बेचता है, और तुमने झूठ बोला कि तुमने इससे तलाक ले ली है। अरे खुशी के आंसू आ गए। चुप करो दुआ, मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं लड़कियों को होटल पे ले जाके पिज्जे खिलाऊं, और अगर दुआ मेरे पास पैसे होंगे भी तो मैं ऐसे फजूल नहीं खर्चूंगा। इतने आप अकलमंद। बहुत शुक्रिया। ये अम्मा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। और ये फिजा। वालेकुम अस्सलाम। दुआ ने बताया था
कि अम्मा के बाद सबसे मजेदार बिरयानी आप बनाती हैं। कभी हमें भी बनाकर खिलाएं, अब तो जीजा जी हैं आपके। ये खुद भी बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। नहीं, मुझे नहीं बिरयानी बनाने आती। आजो आजो बेटा, बैठो 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 बेटा बैठो। आप भी बैठे ना प्लीज। जी बैठो, आप बैठो। बहुत शौक था कि मैं भी अपने ससुराल जाऊं और जाके दावत खाऊं, लेकिन कभी दुआ ने आपके घर का एड्रेस ही नहीं दिया। अब फाइनली जाफर से पता करवाया और आज हम खुद ही आए हैं। अरे बहुत अच्छा किया, हमें भी अपने दामाद के साथ मिलने की बहुत चाहत थी। जाओ भाई के लिए जूस लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, मैं बिरयानी खाऊंगा। ओ बस बस, ऐसे ही बन जाती है बिरयानी। 700 रुपए किलो चिकन हो गया है। और तुम लोगों ने आने से पहले बताया नहीं हमें, वरना हम कुछ ना कुछ इंतजाम करते। और वैसे भी तू कौन सा कोई अफसर लगा है, नांटियां खिलाता है मेरी बच्ची को रोज। जाओ जूस लेकर आओ उसके लिए। नहीं, मैंने जूस भी नहीं पीना। चलो रहने दो, सादा पानी ले आओ। दुआ, मैं आज यहां से बिरयानी खा के ही जाऊंगा। भाई 1 किलो साबुत चावल कर दे और 1 किलो आटा, सफेद ना हो, सही वाला देना। मैं ये ग्लेज ले लूं। छोड़ो इसे, तुम बच्ची थोड़ी हो, ये तो मैं चिप्स खानी है। इतनी बड़ी हो गई है, तुम्हारा अभी तक बचपना नहीं गया। शादी हो गई लेकिन अभी तक अक्ल नहीं आई तुम्हें। अच्छा ठीक है, 1 किलो घी ले लें फिर। ये महंगा देता है, मैं सामने वाली दुकान से लेके आता हूँ, ये पकड़ो। दुआ, फिजा ये कौन था? अरे ये मेरे शोहर सरफराज, तुम्हारे जीजा जी। अरे आते ही होंगे वो। अच्छा मैं फिर कभी सलाम ले लूंगी, अभी मुझे जल्दी है। अरे दुआ, ये तुम किससे बात कर रही थी? वो दुकान वाले भाई से घी का पूछ रही थी। फिजा तुम पागल हो क्या? ये देखो घी ले तो आया हूं मैं। तुम फिर दुकान वाले से पूछ ही जा रही हो, चलो यहां से। योगा में आ तेरी नाटकी।